आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में जीमेल आईडी यानी कि ईमेल आईडी कैसे बना सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट की प्रोसेस होने वाली है। आप यहाँ पे अपने मनपसंद की ईमेल आईडी जीमेल आईडी बना पाएंगे, तो उस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये जीमेल का ऐप देख सकते हैं, आप इसमें आ जाना है। अब यहाँ पे हम जो बनाएंगे ईमेल आईडी, इसी को हम जीमेल आईडी भी बोलते हैं, ईमेल आईडी भी बोलते हैं, ईमेल अकाउंट भी बोलते हैं, जीमेल अकाउंट भी बोलते हैं, ये एक ही चीज़ है लेकिन नाम अलग अलग हैं यहाँ पे, राइट। तो हम यहाँ पे बनाने के लिए ऊपर प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करेंगे और प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड अनदर अकाउंट का हमको, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे ऐड अनदर अकाउंट पे। अब यहाँ पे गूगल सेलेक्ट करेंगे हम, उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना स्क्रीन लॉक डाल देना है या फिंगरप्रिंट लगा देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम अपनी न्यू ईमेल आईडी यानी कि जीमेल आईडी बना रहे हैं, तो उस केस में हमको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे फॉर माय पर्सनल यूज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और अब यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है और यहाँ पे सरनेम यानी कि लास्ट नेम डालना है और दोनों नेम डाल के यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे आप। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसमें फर्स्ट में आपको अपना डे डालना है कि मतलब आपको कौन सी तारीख को आपका यहाँ पे जन्म हुआ था, और यहाँ पे अब आपको मंथ सेलेक्ट करना है कि कौन से महीने में आपका जन्म हुआ था, और यहाँ पे आपको ईयर टाइप करनी है कि कौन सी ईयर में आपका जन्म हुआ था। जैसे यहाँ पे हमने 10 सितंबर 1990 कर लिया है, ऐसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी हो सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लें कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, और इसके बाद में अब यहाँ पे आप नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे ईमेल आईडी बनाने के आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं जो भी आप रखना चाहते हैं, और यहाँ पे एक है यूज मोबाइल। यदि आप यूज मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो ये अपने मन से आपके सामने बना के ले आएगा, आप उन्हें रख सकते हैं, राइट। यदि आप अपने यहाँ पे अपनी मर्जी से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे, जैसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे यस यादव के नाम से, हम यहाँ पे देखते हैं ये अवेलेबल है या नहीं है, राइट। जैसे ही डाल के हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये आ गया है दैट यूजर नेम इज टेकन ट्राई अनदर, मतलब ये अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे हम इसमें कुछ नंबर्स वगैरह डाल के देखेंगे, जैसे ही हमने ये नंबर्स डाले अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये भी अवेलेबल नहीं है। तो आपको अब अपने हिसाब से डाल डाल के देखना है, यहाँ पे जो भी अवेलेबल होगा आपके सामने आ जाएगा। आपको अपने नाम के आगे कुछ नंबर्स या थोड़ा बहुत नाम इधर उधर करके देख लेना है, जो भी अवेलेबल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये अवेलेबल था, ये हो गया है, यहाँ पे आगे बढ़ गया है। अब यहाँ पे हमको पासवर्ड डालना है, क्योंकि जब भी हम लॉग आउट हो जाएंगे कभी भी, और फिर जब भी लॉग इन करेंगे या दूसरे किसी के मोबाइल में लॉग इन करेंगे, या फिर सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि कोई हमारी जीमेल आईडी को हैक ना कर पाए, उस कारण से हमको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, इसमें कुछ लेटर्स, कुछ नंबर्स, राइट, और कुछ इसमें सिंबल्स होने चाहिए, जैसे स्पेशल कैरेक्टर एट द रेट है, जैसे आप ले सकते हैं। यहाँ पे इन सब का मिक्सचर पासवर्ड बनाएं आप और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, और आपने जो भी ईमेल आईडी बनाई होगी वो यहाँ पर भी आपको दिखेगी, और यहाँ पे देख लेने के बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करके इनकी टर्म्स को रीड करके आई एग्री पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप इतनी प्रोसेस करेंगे आपका यहाँ पे ईमेल आईडी यानी कि जीमेल आईडी बन जाएगी। आप यहाँ पे प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करेंगे ऊपर दोबारा, और इस लिस्ट में जो आपकी पहले से ईमेल आईडी जीमेल आईडी थी, इन्हीं में आपको इसी लिस्ट में वो भी दिख जाएगी। जैसे ही हमारी ये नीचे दिख रही है हमको, तो ये बन चुकी है। तो इस टाइप से आप अपनी ईमेल आईडी जीमेल आईडी बना सकते हैं। आई होप इस वीडियो से हेल्प हुई होगी, हेल्प हुई तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।